की दीवार पर बोलकर बुरा फंसे अमित शाह। अमित शाह पर भड़के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल, पढ़ा दिया कानून का पाठ। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से ही भाजपा पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे। सोशल मीडिया पर ईडी के दुरुपयोग को लेकर हो रही जमकर आलोचना। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया कि ईडी अब किसी को नेता को गिरफ्तार नहीं कर सकती, पहले उसे कोर्ट जाना होगा। इधर अमित शाह ने केजरीवाल को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद सियासी तौर पर बवाल मच गया। कपिल सिब्बल ने केजरीवाल की तरफ से मोर्चा संभाला और अमित शाह पर इल्जाम लगाए उन्हें कानून की कोई जानकारी नहीं है। ब्रजभूषण शरण के नाम को लेकर भी भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया। अमित शाह को कानून का पाठ पढ़ाया देश के दिग्गज वकील नेता कपिल सिब्बल ने। अमित शाह को लेकर क्या कहा, अमित शाह की कौन सी गलती पकड़े, ब्रजभूषण शरण को लेकर क्या बोल दिया, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आखिर कहानी क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को कपिल सिब्बल ने आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा, अगर गृह मंत्री को कानून के बारे में जानकारी होती तो वैसे टिप्पणियां नहीं करते। एक इंटरव्यू में भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिले अंतरिम जमानत को स्पेशल ट्रीटमेंट बताया। उन्होंने कहा, यह कोई रूटीन जजमेंट नहीं है, बहुत लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। शाह के इस बयान को वकील कपिल सिब्बल ने आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा, अगर गृह मंत्री को कानून के बारे में जानकारी होती तो ऐसी टिप्पणियां नहीं करते। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा, अमित शाह ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाया। अमित शाह ने कहा, कई लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिली एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। उन्होंने बहुत चतुराई से कहा, लोग कहते हैं, उन्होंने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि वह उन लोगों पर भरोसा करते हैं। ब्रजभूषण का नाम लेकर सुनाया, कपिल सिब्बल ने कहा, गृह मंत्री को कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, लोग कहते हैं कि पीछे मत छिपिए। आज मैं उन्हें समझाऊंगा कि अगर किसी को 2-3 साल से ज्यादा की सजा होती है और उसे सजा प्रस्ते मिल जाती है तो वह नामांकन दाखिल कर चुनाव लड़ सकता है। अगर किसी पर चार्जशीट दाखिल हो रहा है तो वह भी चुनाव के लिए प्रचार कर सकता है और नामांकन भी दाखिल कर सकता है। ब्रजभूषण की तरह उन पर भी चार्जशीट दाखिल है, आखिर वो अपने बेटे के लिए प्रचार कैसे कर रहे हैं, जिस पर आरोप लगा है वह प्रचार क्यों नहीं कर सकता। मेरा मानना है गृह मंत्री को कानून की उतनी जानकारी नहीं है, अगर उन्हें इस बारे में पता होता तो वह इस तरह के बयान नहीं देते। केजरीवाल को लेकर अमित शाह ने क्या कहा था, दरअसल बुधवार को अमित शाह ने ANI को इंटरव्यू दिया था। सीएम केजरीवाल को मिले अंतरिम जमानत वाले सवाल पर उन्होंने कहा, कई लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को मिला अंतरिम जमानत स्पेशल ट्रीटमेंट जैसा है, या कोई रूटीन जजमेंट नहीं है। गौरतलब है आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल नंबर 2 में 50 दिन गुजारने के बाद उन्हें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिला। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक केजरीवाल को 1 जून तक राहत मिली है, उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप क्या कुछ सोचते हैं उसे जरूर लिखिएगा। MS TV देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।